हिंदुस्तानियों की अकड़ कभी नहीं जाएगी। चार, मुझे हमारा बेस्ट फाइटर पायलट इस वक्त आसमान में चाहिए। तीन, फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के साथ ही बॉलीवुड को एक साथ दो बड़ी हिट फिल्में मिल चुकी है। और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों को ऑडियंस की तरफ से जिस तरह के रिव्यूज मिलते हुए नजर आए थे उसके बाद ये दोनों ही फिल्में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और फाइटर के अभी तक के टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर फिल्म क्रैक की एडवांस बुकिंग के बारे में और इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में साथ ही साथ जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म 1947 से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के बारे में और उनकी मच अवेटेड फिल्म बाप कब रिलीज होगी इस बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस से, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं और दोस्तों इन 11 दिनों में इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार किया ही है, साथ ही साथ हैटर्स की बोलती बंद करते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक क्लीन हिट फिल्म भी साबित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अमित जोशी और आराधना शाह के डायरेक्शन में बनने वाली तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक लव रोमांस ड्रामा फिल्म है जिसे 75 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था। इस फिल्म को दोस्तों पहले तो हेटर्स की तरफ से नेगेटिव रिव्यूज दिए गए, क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज दिए, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने पहले ही दिन 3500 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद भी 6,70,00,000 रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे और तीसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिला। तीन ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म 27 करोड़ रुपए की कमाई करके उन सभी की बोलती बंद कर चुकी थी जो कि इस फिल्म को पहले ही दिन से फ्लॉप बता रहे थे। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को काफी अच्छे रिव्यूज मिले और सच्चाई में तो ऑडियंस ही रियल क्रिटिक होती है जो कि फिल्म को हिट और फ्लॉप बताती है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर टोटल 44,35,00,000 रुपए की कमाई की जो कि एक तरह से एक नॉर्मल बजट फिल्म के लिए काफी अच्छी ओपनिंग है। अपने दूसरे हफ्ते भी दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आया और इस फिल्म ने दोस्तों जहां अपने 8वें दिन 2,85,00,000 रुपए कमाए तो वहीं दोस्तों अपने 9वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बेटर रहे और इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अपने 9वें दिन 75% की ग्रोथ के साथ इस फिल्म ने 5 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने 10वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में एक बार फिर से 22% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई और इस फिल्म ने कमाए 6,10,00,000 रुपए। इन 6,10,00,000 के साथ ही इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 58,30,00,000 रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इन 10 दिनों में ये फिल्म 105 करोड़ रुपए के को पार कर चुकी है और शाहिद कपूर के करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से जिस तरह से पसंद किया जा रहा है, ये फिल्म इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर रुकने वाली नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए आज यानी कि अपने 11वें दिन की, तो दोस्तों आज भी इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मॉर्निंग से ही काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये फिल्म आज भी 8 से 12% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म के आज के भी कलेक्शंस इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2,10,00,000 रुपए के आंकड़े को टच कर रहे हैं, जिससे कि इस फिल्म का टोटल इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 60,40,00,000 रुपए का हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 110 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी होगी। यह फिल्म दोस्तों जैसे ही 130 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर में कर लेगी, बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट का टैग भी हासिल कर लेगी। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर सुपरस्टार और हैंडसम हंक ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही है और दोस्तों अपने 4थे हफ्ते भी इस फिल्म की जो कलेक्शन से वो इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों के बराबर ही आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फाइटर, जिसके लीड में आपको ऋतिक रोशन के साथ साथ दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आई है और दोस्तों इन दोनों की ही केमिस्ट्री ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है। ऋतिक रोशन एज पैटी इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दोस्तों दीपिका के साथ उनकी केमिस्ट्री
एक्ट्री काफी लवेबल और चार्मिंग दिखी। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से पहले ही दिन से पसंद किया जा रहा है और दोस्तों लगभग 4500 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली इस फिल्म को ओपनिंग भी काफी जबरदस्त मिली। हालांकि दोस्तों इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए का है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने अपने बजट की रिकवरी करते हुए पहले ही हफ्ते में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अगर बात की जाए अभी तक के टोटल की तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले हफ्ते में इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 141 करोड़ रुपए कमाए और दुनिया भर से 250 करोड़ रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे हफ्ते में इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे वो 41 करोड़ रुपए के इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर रहे और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगभग 320 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों अपने तीसरे हफ्ते में भी इस फिल्म ने इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 350 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को पार कर चुकी थी और 352 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। लेकिन दोस्तों अपने चौथे हफ्ते की शुरुआत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग नोट के साथ की और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और कई सारी फिल्मों से मिल रहे कॉम्पिटिशन के बावजूद इस फिल्म ने अपने 23वें दिन 85 लाख रुपए कमाए थे, 24वें दिन 1 करोड़ 70 लाख रुपए कमाए। तो वहीं दोस्तों अपने 25वें दिन इस फिल्म के कलेक्शंस 2 करोड़ 20 लाख रुपए के रहे हैं। जी हां दोस्तों कल भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और इसी के साथ इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो 210 करोड़ रुपए का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर हो चुका है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात की जाए तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 360 करोड़ रुपए की कमाई अपने शुरुआती 25 दिनों में कर चुकी थी, जिसमें दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर लिया था। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि अपने 26वें दिन की तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज भी ये फिल्म इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर अपने 23वें दिन की ही तरह ट्रेंड कर रही है और लगभग 80 लाख रुपए की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर करती हुई नजर आ रही है। इस तरह से इस फिल्म का टोटल 211 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इस साल की एक और हिट फिल्म साबित हो चुकी है और दोस्तों इस साल बॉलीवुड के लिए दूसरी हिट फिल्म साबित हुई है। बताते चले दोस्तों आपको कि दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगभग 380 करोड़ रुपए तक की कमाई कर लेगी और बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट मूवी कहलाएगी। वहीं दोस्तों बात कर लिया यहाँ पर फिल्म क्रैक के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और इस फिल्म के एडवांस बुकिंग कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज से सिर्फ 4 दिन बाद ही रिलीज होने वाली है और दोस्तों ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर इस साल की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि इंडियन सिनेमा के स्टाइलिश और यंग सुपरस्टार विद्युत जामवाल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है क्रैक, जो जीतेगा तो जिएगा इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी हफ्ते रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म में दोस्तों आपको विद्युत जामवाल का धमाकेदार एक्शन तो देखने को मिलने ही वाला है, साथ ही साथ दोस्तों उनके ओपोनेंट में यानी कि विलन के तौर पर इस फिल्म में आपको अर्जुन रामपाल भी नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों इस फिल्म में आपको विद्युत के साथ नोरा फतेही और एमी जैक्सन भी नजर आने वाली है। आदित्य दत्त के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 23 फरवरी को लगभग 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा, जिसके एडवांस बुकिंग को लेकर ऑडियंस और विद्युत जामवाल के फैंस काफी एक्साइटेड है। हालांकि अभी तक दोस्तों इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को शुरू नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म को लेकर सिंगल स्क्रीन पर अभी से एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया गया है। मल्टीप्लेक्सेस में दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो परसों से यानी कि बुधवार से शुरू हो जाएगी और दोस्तों इस फिल्म की जैसे ही एडवांस शुरू होती है ये फिल्म इस साल की तीसरी या फिर दूसरी बड़ी ओपनर साबित हो सकती है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि क्रैक के टीजर और ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल चुका है। गाने भी दोस्तों इस फिल्म के सुपरहिट हो चुके हैं। यह वजह है दोस्तों कि विद्युत जामवाल, अर्जुन रामपाल और नोरा फतेही की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 6 से 7 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है और अगर इस फिल्म ने 6 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली तो ये फिल्म इस साल बॉलीवुड के लिए तीसरी बिगेस्ट ओपनर साबित होगी और अगर इस फिल्म 7 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली तो यह फिल्म इस साल तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को पीछे करते हुए सेकंड बिगेस्ट ओपनर साबित हो जाएगी। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों अगर इस फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो यह फिल्म विद्युत की लास्ट फिल्म IB71 की ही तरह लॉन्ग रन करेगी और बॉक्स ऑफिस पर आसानी से 50 से 100 करोड़ रुपए के बीच की कमाई कर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों क्रैक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ की कमाई कर सकती है और क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक और हिट फिल्म साबित होगी या नहीं,
हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात कर लिया है दोस्तों यहाँ पर फिल्म 1947 से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों कल मैंने आप सभी को बताई थी कि इस फिल्म के जो मेकर और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी को 2 साल की सजा हो गई थी। लेकिन दोस्तों अब इस केस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को बेल मिल चुकी है और उन्हें कोर्ट ने 30 दिनों का समय दिया है। इन 30 दिनों में दोस्तों वो अपने एविडेंस प्रूफ करके इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे और जल्द ही ये फिल्म अपनी शूटिंग खत्म करके रिलीज डेट पर आ जाएगी। बताते चले दोस्तों आपको कि सुपरस्टार सनी देओल के साथ इस फिल्म में आपको प्रीति जिंटा की जोड़ी एक बार फिर से नजर आने वाली है और अभिमन्यु सिंह इस फिल्म में विलन के तौर पर नजर आने वाले है। ये फिल्म दोस्तों इस साल रिलीज होने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है, जो की गदर की ही तरह इंडियन सिनेमा के कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। लेकिन दोस्तों उससे भी बड़ी बात यह है कि सुपरस्टार सनी देओल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म बाप ऑफ ऑल फिल्म्स, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसे साल रिलीज किया जाना है, इस फिल्म के रिलीज को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके लीड में आपको सुपरस्टार सनी देओल के साथ साथ बॉलीवुड के बाबा संजय दत्त, बिंदास बिडू जैकी श्रॉफ और दादा मिथुन चक्रवर्ती नजर आने वाले हैं। और दोस्तों जब इंडियन सिनेमा के इतने लेजेंडरी एक्टर एक फिल्म में नजर आएंगे तो उस फिल्म का नाम बाप तो होने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताते चले कि अहमद खान के डायरेक्शन में बनने वाली बाप इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी साल रिलीज होने वाली है, जिसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। जल्द ही दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म का टीजर रिलीज करने वाले हैं और दोस्तों इस फिल्म की रिलीज डेट भी फाइनल करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों जो रूमर्स निकल कर आ रहे हैं वो यही है दोस्तों कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल जुलाई के महीने में रिलीज किया जाएगा या फिर दोस्तों ये फिल्म सितंबर के मंथ में रिलीज होगी। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ये भी टारगेट करके चल रहे हैं कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछली बार सनी देओल की फिल्म गदर 2 की ही तरह 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हो। हालांकि दोस्तों बता दें आपको कि सुपरस्टार सनी देओल की इस फिल्म को जब भी रिलीज किया जाएगा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। क्या आप भी दोस्तों बाप फिल्म के लिए एक्साइटेड है या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।